काले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे जिस समय कृष्ण ने जो दो जो वृक्ष था जमज वृक्ष अर्जुन का जमज वृक्ष था, जब कृष्ण दोनों वृक्षों को उधार किया, उधार करने पर वो दोनों ने भगवान को परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा करके बोले हे प्रभु जैसे हमारे सारे इंद्रियां तुम्हारी सेवा में लग जाए। बोले वाणी गुणान कथन हमारी जो वाणी है आपकी गुण कीर्तन में ये वाणी जैसे लगनी चाहिए। इसलिए भागवत में बताते हैं अगर हम दुनिया की तो सारी बात बोलते हैं लेकिन भगवान की कथा नहीं बोलते हैं भगवान की कीर्तन नहीं करते हैं फिर वो जीवा कैसे हैं। आप लोग देखे होंगे बरसात का समय पर जो मेढक है ना वो टटर टटर करता है, सुने हो मेढक टटर करता है और टटर नहीं करता है। जो पुरुष मेढक अपना बीवी को बुलाता है लेकिन जो टटर करता है, लेकिन सर्प का आहार ये मेढक है। अभी सांप देखता है हमें अपना आहार ढूंढने का जरूरत नहीं, मेरे आहार तो मेरे को बुला रहा है, बुलाता तो अपना बीबी को, बीबी नहीं आती है कौन आ जाती है काल आ जाती है, हैं? इसलिए धीरे धीरे जो सर्प आता है आकर झट पकड़ लेता है मेरे को फिर टेट टेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर कहते हैं भगवान हमें जो जिह्वा दिया है भगवान की कीर्तन करने के लिए दिया, उनका नाम करने के लिए दिया, क्योंकि 84 लाख जोनियों में केवल भगवान ने एक ही जिह्वा दिया है जिसमें हम कृष्ण कृष्ण राम राम बोल सकते हैं। और किसको बोलो, इंसान के सिवाय और कोई ठाकुर का नाम ले सकता है क्या? नहीं ले सकते। इसलिए कहते बोलो वाणी गुणानु कथन है प्रभु, जैसे ये वाणी की तभी सार्थकता है जब ये वाणी से भगवान की कीर्तन भगवान की महिमा को गाए। हैं वाणी गुणान कथन है श्रवण कथायाम, कहते भगवान ये दोनों कान किस लिए दिया है? बोले भगवान की कथा सुनने के लिए दिया। जैसे केवल इंसान ही ऐसे की जीव है जो कि बैठ कर कथा सुन सकता है। यहाँ पर कोई गधा सुअर कुत्ते कोई बैठ कथा सुनते हैं? नहीं। अगर कोई गधा सोचे भैया यहाँ पर ऊपर ठाकुर जी कथा हो रही है, नहीं तो सुअर कुत्ता सोचे थोड़ी सी हम वहाँ कर बैठ कर कथा सुन कर गाए, वो कथा सुन सकता है? और गेट में आते ही ना डंडा मार कर सब भगाएंगे। इसका मतलब है केवल इंसान के सिवाय कोई भी सत्संग में बैठ नहीं सकता है, केवल इंसान ही एक जीव है जिसको भगवान उसको जो दो कान दिए वही केवल भगवान की कथाओं को सुन सकते हैं। अगर जिन्हीं कानों से दुनिया की तो सारी बात हम सुनते रहते हैं लेकिन इन्हीं कानों में ठाकुर की कथा नहीं सुनते हैं, कहते वो कान क्या है? बोले ये कान नहीं ये दो बील है, जो बील में सर्प रूपी काल रूपी सर्प जिसमें निवास करता है। इसलिए कहते प्रभु बोले श्रवण कथायाम हस्तौ त कर्मसु, ये दोनों हाथ किसमें लगे? बोले तुम्हारी सेवा में और तुम्हारी भक्तों की सेवा में ये हाथ लग जाए। बोले क्यों? बोले अगर ये हाथ अगर ठाकुर की सेवा नहीं करते हैं, दुनिया की तो सेवा करते हैं लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते हैं, हैं? लेकिन भागवत कहता है हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने के कंगन पहन रखे लेकिन इन्हीं हाथों से ठाकुर की सेवा नहीं करते हैं, कभी ये हाथ नहीं। बोले सबो करो वा कुरु तो सब पर जिया
हरे लसत कांचन कंकणों का है। कहते ये सबों करो, ये हाथ नहीं, ये दो मरा हुआ हाथ है, ये दो मरा हुआ हाथ है। इन्हीं हाथों से अगर पूर्वजों को पिंड दोगे ना, पूर्वज ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? इन्हीं हाथों से तुम दुनिया को तो सेवा करते हो, लेकिन कोई संतों की भगवान की तो सेवा करता नहीं। ये हाथ नहीं, कहते ये मरा हुआ हाथ है। इसलिए कहते हैं ये हाथ तुम्हारी कर्म में लग जाए, लेकिन ये जो मन है और ये जो सर को क्या करे, बोले स्मृत सर को भगवान के चरण में झुका दे, ठाकुर जी की चरण में प्रणाम करो। नहीं तो ये क्या है, एक भार है। कहते पर किरीटी जुष्टम, बड़ी सुंदर पाग बांध कर रखे, पगड़ी बांध कर रखे है, बड़े सुंदर मखमल वाले कपड़े के, लेकिन हाथ सर को ठाकुर जी के चरण में नहीं झुकाते हो। कहते ये सर का जो वजन है ना, ये संसार में तुमको डुबा देगा, ये माया के संसार में तुम्हें डुबा देगा। इसलिए यहाँ पर नल कुबेर और मुनिगिरि बोले प्रभु और ये की कृपा करो, सतांग दर्शन अस्तु भवत भवत निणाम। कहते हे प्रभु, जैसे आपका संतों को दर्शन करते ही जैसे ये सर अपने आप उनके चरण में झुक जाए है। संतों को दर्शन करने पर सर को झुका नहीं चाहिए, अगर नहीं झुका है तो उदाहरण देते हैं, जैसे कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर आया, लेकिन साधारण कोई पुलिस अगर सैल्यूट नहीं देता है ना, नौकरी चल जाता है। कहते अगर कोई संत आया, अगर उनका दर्शन नहीं किया तो शास्त्र कहता है तुमको गंगा स्नान करनी चाहिए, 3 दिन उपवास रहनी चाहिए। कहते संन्यास देखिया जब नाम नुआई मुंड तार मुंड पड़ गया नर कर कुंड। कहते संतों को देख करके जो सर नहीं नवाते है, कहते तार मुंड इसका जो सर है और नरक रे कुंड, नरक का कुंड में जाकर गिरता है। इसलिए कहते हे प्रभु, अगर हम नारद जी को दर्शन करके प्रणाम कर लेते तो हमें ये पेड़ जन्म भोगना नहीं पड़ता, इतने करोड़ों साल तक हम पेड़ बन करके रहे। कारण क्या? संतों को देख करके हमने सर को नहीं झुकाया। इसलिए ऐसे ठाकुर को प्रणाम किया, दोनों कर्तव्य दक्षिण दिशा में दोनों चले गए। बोले कहाँ चले गए? बोले गोलोक वृंदावन में तो मधुकंठ सिद्धकंठ बन कर गए, और स्वर्ग में नाल कुबेर और मुनिगिरि बन करके गए। तो यहाँ पर कहते हैं बोले साधु नाम समचिता नाम सुतरा मत्कृतात्म नाम दर्शन नाम अभवत बंध उस अखनो सवितुर यथा। यहाँ पर कह रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ये श्लोक में कह रहे हैं, कहते ये संतों लोग का तो महिमा बहुत, संतों का महिमा इनकी बहुत, संतों का महिमा है। कहते अभी ये नारद जी हमारे ऊपर क्यों कृपा करें, क्योंकि हम उनको दर्शन करके प्रणाम नहीं किया ना, बल्कि शराब पी कर रखे थे और देख करके बोले रंग में तो भंग करने के लिए इधर आ गया, और कोई रास्ता तेरे को मिला नहीं, इधर ही आ गया, हम मस्ती ले रहे थे हाँ, स्वर्ग का अप्सरियों के साथ में नंगे होकर के शराब पी करके, और रास्ता कोई मिला नहीं, इधर ही तेरे को रास्ता मिल गया, हम तो उनको अपमान किए, तो वो हमारे ऊपर कृपा क्यों करेंगे। तो इसलिए कहते हैं साधु नाम समचिता नाम, जो साधु होता है ना वो सबको बराबर रूप में दर्शन करते हैं, उनका कोई अपना कोई पराया इनका होता ही नहीं, सबको ये बराबर रूप में देखते हैं। और दर्शन नाम भवित बंध उष्ण अखोस अखनो सवितुर यथा। कहते संतों को दर्शन मात्र से ही ये भव बंधन दूर हो जाता है। उदाहरण देते हैं, जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार जैसे दूर हो जाता है, उसी तरह जब हम संतों को दर्शन करते हैं हमारी हृदय के अज्ञान सब के सब दूर हो जाता है। इसलिए उन्होंने प्रणाम करते हुए जब गए, इतने में दोनों वृक्ष गिरा, जब वृक्ष गिरा अभी तो कोई आवाज नहीं हुई क्योंकि ठाकुर की लीला शक्ति है, लेकिन जब वो नलकुबेर मुनिगिरि चले गए ना, इतने जोर से वो सत्य जोर से वृक्ष थे, विशाल वृक्ष दोनों वृक्ष थे, और जब दोनों तरफ में वो दोनों पेड़ गिरे, इतने जोर से आवाज हुई मानो कोई वज्रपात हुआ, ये सारे को सारे जितने ब्रजवासी थे भागते भागते आए, क्या हो गया, कोई वज्रपात तो नहीं हो गई, सब के सब भागते भागते आए। इतने में श्री नंद बाबा जल्दी जल्दी आए और आकर के देखा कृष्ण फंसा पड़ा हुआ, उखल में बंधा हुआ और फंसा पड़ा हुआ, और दोनों वृक्ष दोनों तरफ में दोनों वृक्ष गिरे।
इतने में नंद बाबा तो जल्दी जल्दी आकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने झट उन्होंने गांठ को खोल दिया। लेकिन सखाओं ने गांठ नहीं खोल पाए, क्यों? वो प्रेम की बंधन था, वात्सल्य रस ही वात्सल्य रस को खोल सकता है, इसलिए उन्होंने झट उन्होंने रस्सी को खोल दिया। रस्सी को खोल करके बोले किसने बांधा, बोले भैया, बोले किसने खोला, बोले बाबा, बोले खूब भैया भैया करते रहते हो हर समय में, हैं ज्यादा करके बच्चों का ज्यादा करके किसको पास में रहते, माँ को पास में रहते ना बच्चे, बोले खूब मैया को मेरे से भी ज्यादा प्रेम तो मैया को करते हो, खूब मैया मैया करते हो, आज मैया बांधा किसने, बोले मैया, बोले खोला किसने, बोले बाबा, बोले बताओ किसको पास में रहोगे, बोले मैया को पास में और नहीं जाऊंगा, मैया मारती रहती है, अब तो मैं बाबा को पास में रहूंगा, बाबा मेरे को बड़े प्यार करते हैं, बाबा मेरे को बहुत प्यार करते हैं, बाबा को पास में रहूंगा और मैया के पास में नहीं जाऊंगा। इतने में मैया जसोदा आ गई, सारे ब्रजवासी आ गए और नंदा हुआ तो मैया को इतने डांट लगाए, बोले एक दो मटकी तो फोड़ा होगा और कुछ तो बात नहीं, और इतना बड़ा दंड, ये बुढ़ापा में एक लाला भयो है, भाग्य से दोनों वृक्ष दोनों तरफ में गिर गया, अगर थोड़ी सी इधर उधर होता तो लाला का राम नाम सत्य हो जाता है, इसलिए लगता है तेरे को मटकी में और ये दूध दही में ज्यादा आ सकती, तू इसको लेकर रहा कर, मैं तो ये दोनों बालों को लेकर मैं जा रहा हूँ कृष्ण बलराम को, मैं तीर्थ घूमने जा रहा हूँ, खूब उनको डांट लगाए। मैया इतने दुखी हो गई, बोले मेरे इन्हीं हाथों में कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो गया, मैंने आज इन्हीं हाथों से लाला को मैंने बांधा तो बांधा कैसे। मैया बड़ी दुखी हो गई, रो रो कर घर में गई। नंद बाबा ने कृष्ण बलराम दोनों बच्चों को धारसन दूध मतलब है जैसे दूध निकालो ना, देखना वो गर्म गर्म रहता है दूध, जब निकालो उसमें उन्होंने मिश्री मिला करके दोनों बच्चों को उन्होंने पिला दिया। इसलिए नियम है जब गैया से दूध निकले ना वो उसमें सारे पुष्टि रहता है, उसमें सारी ताकत उसमें रहता है, और कुछ नष्ट लेकिन गर्म करने पर ना थोड़ी सी कम हो जाता है, उसमें प्रोटीन कम हो जाता है। लेकिन कभी पिए हो एकदम गैया से दूध निकले एकदम गर्म गर्म पिए हो कभी, वो गर्म गर्म शरीर के लिए बड़ा हृष्ट पुष्ट रहता है। इसलिए कृष्ण इसलिए तो पीते थे, उसमें थोड़ा मिश्री मिला करके कृष्ण बलराम दोनों को मिश्री मिला करके पिला दिए। इतने में ब्रह्मांड घाट में दोनों बच्चों को स्नान कराया और उन्हें शाम को आए, जब घर में शाम को आए मैया तो बड़े दुखी होकर बैठी हुई है कोड़े में रो रही, और कृष्ण नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर के घर की एक कोने में बैठ गए। जब बैठ गए दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो गई है, लड़ाई चीज को लेकर हो गई, अभी लड़ाई को शांत कौन करेगा, अगर कोई तीसरा व्यक्ति हो ना वो शांत कर सकता है, यहाँ तीसरा कौन है, कहते श्री बलदेव प्रभु का माँ रोहिणी। इन्होंने देखा दोनों में तो लड़ाई हो गया, ये लड़ाई शांत कैसे होगा, अगर कृष्ण को नंद बाबा का गोद से लेकर के अगर जसोदा की गोद में छोड़ दिया जाए घर का लड़ाई खत्म हो जाएगा। इतने में श्री आए रोहिणी, बोले दाऊ, बोले क्या, बोलो, बोले जा कृष्ण को हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ करके उसको ले करके उसको जसोदा की गोद में छोड़ दो। इतने में बलदेव प्रभु बोले, बोले लाला लाला कन्हा चल मैया के पास में चल, उनका हाथ जब पकड़े ना, लेकिन कृष्ण तो आज बड़े गुस्से में हैं, उनको पारा ऊपर चढ़ा हुआ है इसलिए बड़े गुस्से में है। इतने में कृष्ण ने क्या किया, ऐसे मार हाथ को फेंके तो बलदेव प्रभु जो था ना वहीं पर झट कर गिर गए। इतने में मैया रोहिणी कहती, बोले कन्हा मैया के पास में नहीं जाओ, बोले नहीं मैया मेरे को मारती है, बोले किसको पास में रहोगे, बोले बाबा के पास, बाबा मेरे को मारते नहीं, बाबा मेरे को बड़े प्यार करते हैं, मैं तो बाबा के पास में रहा करूँगा, बोले बाबा के पास में रहोगे किसको गोद में सोओगे, क्योंकि कृष्ण का ऐसे अभ्यास, अब देखना बच्चों का कभी कभी ऐसे अभ्यास होता है, बचपन में माँ के बगैर उनको नींद नहीं आती, मैया की गोद में ही सोते हैं, बोले फिर अगर तू सोओगे किसको गोद में, बोले बाबा को गोद में सो जाऊंगा, बोले दूध कहाँ से मिलेगा, बाबा के पास में तो मिलेगा नहीं, दूध तो मैया के पास में मिलेगा, दूध कहाँ से पियोगे, बोले पिताजी हमें धारस न दूध में मिश्री मिला करके पिला देंगे, बोले खेलोगे किसको साथ में, बोले धाओ भैया को साथ में, बोले मैया के पास में नहीं जाओगे, बोले नहीं मैया मेरे को मारती है, मैया के पास में नहीं जाऊंगा, बाबा के पास में रहा करूंगा। इतने में रोहिणी बोली, अगर तू मैया के पास में नहीं जाओगे, मैया अगर ऐसे हो गई तो मतलब तेरे विरह में मैया अगर मर जाएगी तो फिर क्या करोगे। जब कृष्ण सुना अगर मैं मैया को गोद में नहीं जाऊंगा मैया मर जाएगी ना, फिर तो कृष्ण को रहा नहीं गया, कृष्ण तो पिताजी की गोद से खड़े हो गए,
और खड़े होकर के माँ 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 करते करते सीधा मैया की गोद में जाकर लेट गए। और वहाँ पर जितने ब्रजवासी थे ना, ये लीला को देख करके फूट फूट करके रोने लग गए, प्रभु की लीला देख करके। इसलिए श्री सत्यव्रत ऋषि कहते हैं, बोले इति दृक सलीलाभिरानंद कुंडे शोभसम निमजंत माख्यापयंतम। कृष्ण ऐसे ही सुंदर सुंदर मीठी मीठी ठाकुर जी लीला करके पूरा ब्रजवासियों को पूरा कृष्ण मुग्ध करके रखे थे। एक लीला नहीं, कृष्ण ऐसे कितने लीला करते थे। कभी कभी गोपियां कहते थे, लाला कन्हैया उसको ताकत को परीक्षा करते हैं, बोले वहां से जुती ला सकते हो। कृष्ण ठुम ठुम करके जाते हैं, हाँ कहते जिसने गिरिराज को उठा लिया है। कृष्ण को कितना साल में उठाए? 7 साल 2 महीना में गिरिराज को उन्होंने कनिष्ठ अंगुल पर उठा दिया। गिरिराज गए सब, कौन कौन गए? सब गए। इसलिए जो गिरिराज को उठा दिया, लेकिन मैया कहती है खड़ा ले आओ गोपियां, लेकिन कृष्ण उठते गिरते हुए जाते हैं और बड़े कष्ट से खड़ाओं को लेकर के आते हैं। खड़ाओं को लेकर के, खड़ाओं का हाथ में नहीं, खड़ाओं को अपना सर पर रख करके आते हैं। नंद बाबा सोचते हैं मेरे लाला कितने अच्छे है, बोले खड़ाओं ले आओ हाथों में नहीं उसका सर पर रख करके लाए। मतलब लाला जब बड़ा होगा ना, पिता माता की बड़ी सेवा करेगा, लाला बड़ी अच्छो लाला है। फिर कहते बोले लाला वो गेहूं को थोड़ा ले आओगे, एक जगह पर बंधा हुआ था उससे थोड़ा जो भोजन है, हैं। इतने में कृष्ण फिर ठुमुक ठुमुक कर जाते हैं और जो पोटली में गेहूं है ना वो गेहूं को उठा करके फिर ठुमुक ठुमुक करके आते हैं। फिर गोपियां कहती हैं लाला पीढ़ी ला सकते हो, जिसे बच्चों को ना परीक्षा कर रहे कितना कृष्ण के अंदर में कितना ताकत हो गया, वो पीढ़ी ला सकते हो। फिर कृष्ण जाते हैं धीरे 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 पीढ़ी को उठा करके उठते गिरते हुए फिर पीढ़ी को ले आते हैं। ऐसे ही कृष्ण धीरे धीरे मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। कभी कभी दाऊ भैया को साथ में गोपियां कहती देख जो हार जो जीतेगा ना उसको हम लड्डू देंगे मक्खन के डेला देंगे। अभी तुम्हारे दाऊ भैया और तुम्हारे अंदर में अभी लड़ाई होगी, युद्ध मल्ल युद्ध होगी। हे कृष्ण बलराम ऐसे करते करते हाथ को पूरा ऐसे ऐसे बच्चे लोग जो लड़ाई करते ना कुश्ती लड़ते हैं, कृष्ण बलराम दोनों हैं कहते बाहू को हैं बाहू को ये करते हुए क्या करते हैं कृष्ण बलराम दोनों भिड़ जाते हैं। और भिड़ते 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 दोनों में कुश्ती लड़ाई होती है। अगर कृष्ण अगर हार जाए ना कहते मैया मैंने हार क्यों गया, बोले हार नहीं जाओगे क्यों, इसलिए तेरे को पता नहीं तेरे को खिलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, खा खा तेरे पीछे पड़ना पड़ता है और दाऊ भैया कितना मक्खन मिश्री खाता है तभी तेरे को परास्त कर दिया। कृष्ण कभी कभी कहते बोले मैया दाऊ भैया का जो चोटी है ना कितने सुंदर देख, मेरे चोटी क्यों बढ़िया नहीं, बोले तू मक्खन मिश्री खाता ही नहीं तेरे को चोटी कैसे बढ़िया होगा, बोले ला अभी खाऊंगा ले आ। फिर मैया ने मक्खन लाती है, फिर कृष्ण मक्खन खा इधर मक्खन खाते हैं मिश्री खाते हैं फिर इधर चोटी देखते हैं, बोले मैया अभी तक तो चोटी बढ़ा ही नहीं, बोले मैया तू तो मेरे को बहका रहे हो, मैया तुम तेरे को बहका रहे हो मैया मेरे तेरे को। ऐसे ही कृष्ण बलराम में केवल छाछ की लोभ पर है, केवल थोड़ी सी मिश्री और मक्खन के लोभ पर कृष्ण बलराम में क्या होता है कुश्ती लड़े, आपस में कुश्ती लड़ते हैं। ऐसे ही कृष्ण बड़े सुंदर सुंदर ब्रज में लीला कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, एक फल बिक्री यानी फल बेचने के लिए आए हैं। कहते मथुरा में कुछ कुछ गोपियां जाती थी मथुरा में दूध दही बेचने के लिए, वो आपस में कृष्ण चर्चा करती थी। अभी उनके मुंह में कृष्ण कथा सुनते सुनते एक फल बिक्रियाड़ी के मन में भी इच्छा हुई, मैं क्या कान्हा को दर्शन कर सकती हूँ। बोले कैसे दर्शन करे, मैंने सुना कृष्ण तो राजा घर का बेटा है, वो तो राज महल में रहते होंगे, मैं तो कहाँ साधारण स्त्री हूँ, मेरे को क्या दर्शन मिलेगा। बोले बच्चों का फल खाने बड़ा शौक है, उनमें केले अंगूर और आपेल बड़े सुंदर सुंदर फल लेकर के आई और नंद बाबा का दरबार को सामने खड़ी होकर के फल लेगा कौन फल जोर जोर से पुकारे, लेकिन कृष्ण नहीं आए, उनका सखा लोग आए लेकिन वो कृष्ण का दर्शन ही नहीं हुआ। दूसरे दिन भी आए ऐसे जोर जोर से पुकारे लेकिन कृष्ण नहीं आए उनका सखा आए। जो तीसरे दिन गई ना लेकर के फल प्रतिज्ञा लेकर गई, आज अगर कृष्ण का दर्शन नहीं होगा तो मैं वापस नहीं आऊंगी, एक भूल गई फल बेचना। अभी कहती है गोपाल लेगा कौन गोपाल, गिरधारी लेगा कौन गिरधारी, कृष्ण लेगा कौन कृष्ण, भूल गई फल बेचना।
लेकिन कृष्ण तो सर्वदर्शन घटवा सब जानते हैं, मेरे को कहां कैसे कौन पुकार रहे। कृष्ण अपना आंगन में फैल रहे थे, कहां पर गेहूं के ऊपर में फैल रहे थे, उसकी आवाज सुनते ही दो दिन से वापस जा रही है। इतने में कृष्ण हाथ में गेहूं उठाए, उठा करके जब चलने लगे ना, मैया अपना चरण में नुपुर बांध कर रखे थे, नुपुर का भी छम 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 आवाज हो रही थी, मानो ये नुपुर कह रहा है, बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो, कुछ दिन पहले सब राक्षस आ गए थे ना, किसी तरह से बड़े कष्ट से तूने बचा, मैया ने तुमको मना की बाहर जाने के लिए, अगर तू बाहर जाओगे ना, वो जो छम छम आवाज हो रही थी, देखो मैया को बोल दूंगा, पता चल जाएगा ना मैया को कहाँ जा रहे हो। बोले ये दारी के तो जाने ही नहीं देगा। उसने क्या किया, नुपुर को थोड़ा ऊपर उठा दी, चुपक गया तो बंद हो गया। जब फिर कृष्ण गए, हाथ में जो गेहूं, बच्चों का हाथ तो ऐसे होता ही नहीं, ऐसे खोला तो गेहूं इसकी छेद से गिरते गिरते चरणों के ऊपर पड़ रहा था। गेहूं ये लक्ष्मी है, चरणों के ऊपर क्यों गिर रही थी, बोले प्रभु मैं तो आपकी घर की एक कोने में पड़ी हुई हूँ, आपका तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं रही हूँ, फिर मेरे को ये बाहर व्यक्ति को क्यों देने के लिए ले जा रहे हो, इसलिए आपका चरण पकड़ती हूँ, मेरे को बाहर मत निकालो। लेकिन जब कृष्ण आए और उनने फल बिक्री आनी, तो फल लेगा कौन, फल वो तो एकदम पागल ही बन करके पुकार रही थी हैं। इतने में जब कृष्ण आए, जब उनने कृष्ण दर्शन की ना, एकदम बाबरी बन गई, और दो चार गेहूं था उन्होंने अपना टोकरी में डाल दिए और कहा नीचे चला गया फल को अंदर, बोले फल दे दो, बोले लाला फल तो दूंगी तू पहले तो कुछ दे है, तब तेरे को फल दूंगी। बोले तू तो नई बात कह रही हो, मैं जब ब्रज गोपियों को घर घर में जाता हूँ, मेरे को बड़े प्रेम से गोद में बैठाते, मक्खन मिश्री खिलाते, तू कहते हो मेरे को कुछ दो, बोले एक बार तू मेरे गोद में बैठ करके मेरे को माँ बोल दे, फिर मैं भी तेरे को सारे फल दे दूंगी। कृष्ण सोचने लगे पता नहीं कहाँ से आई है, अगर इसको माँ बोल दिया तो मेरे कौन गोपियाँ अगर दिखाएगी, फिर देखेंगे तो मेरे खिली उड़ाएंगे। कृष्ण इधर उधर झाँके, बोले कोई है नहीं, एक बार बैठ गया था, बस झट बैठ गए, बोले मैया फल दे दे। ए कृष्ण जब गोद में बैठे, कौन है कृष्ण, बोले यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि, ब्रह्मा भी जिनकी चरण की नख की छटा तो कभी दर्शन नहीं कर पाते, अगर गोद में बैठे जाएंगे तो कितने भाग्य की बात, वो तो अपने बाबरी बन करके सारे फल उनको दे दी। फिर जब कृष्ण लेकर के आए, मैया बोली इतना फल कहाँ से ले आए, बोले मेरे को फल बेचने वाली थी, लेकिन गोपियों ने देख लिया था कैसे कृष्णा वो फल बिक्री के गोद में बैठे, और माँ बोले गोपियों ने बोले मैया तेरे को बताए क्या हुआ, बोले क्या हुआ, बोले पता नहीं कहाँ से जात पात कोई ठीक नहीं, कहाँ से कोई आई थी इसकी गोद में बैठ कर, ये माँ बोले तभी तो इतना फल मिले। कृष्ण तो डर गए, मैया डांट नहीं लगाए, लेकिन माँ जसोदा, जसोदा मतलब सबको जो जस देने वाले, ये जसोदा, मैया बोले इसमें क्या बुराई है, अगर दूसरे एक व्यक्ति अगर मेरे लाला को लाला बोले उसमें बुराई किया, कृष्ण का छाती फूल गया, बोले मैया मेरे पक्के में है। फिर तो मैया ने उसको अमुनिया करके ठाकुर जी को भोग लगाए और सारे बच्चों को उन्होंने फल खिलाए। देखो फल बिक्रियाण किया, जब उसने थोड़ी दूर गई ना, देखा उसका जो टोकरी था भोजन हो गया, बोले तो खाली था भोजन कैसे हो गया, उसको उतार करके देखी एकदम रत्नों से भरा पड़ा हुआ, हीरे जवाहरात से भरा पड़ा हुआ है। बोले ठाकुर जी मेरे को ये माया में क्यों डाल रहे, मैं तो कुछ नहीं चाहती हूँ, चाहती हूँ दिन में एक बार तेरा केवल दर्शन हो जाए, मेरे को ये माया में क्यों डाल रहे हो। उसको लेकर के उसने जमुना में उड़ाल दिया, फिर वो कहाँ चली गई मेरे पता नहीं पड़ा। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, घर में जो कुछ बनता है ठाकुर जी को भोग लगा, क्या करो, देखो भगवान को उन्होंने केवल फल तो थोड़ी दिया ना, ठाकुर जी ने क्या किया, उसकी झोली भर दी, रत्न दे दी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाना तो बढ़ाएंगे बढ़िया सुंदर सुंदर, लेकिन खुद चट कर लेते हैं, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, खुद चट कर लेते हैं, हैं? इसलिए कहते नहीं, ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए उपनिषद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत जगत, जगत में हम जो कुछ देख रहे, हमने कोई चीज बनाई, किसने किसके किसने बनाई, किसका है, भगवान का है। इसलिए बोल तेना तेतन भूंजी था, पहले उनको भोग लगाओ, उसको देख करके उसको स्वीकार करो, फिर क्या होगा, फिर माँ लक्ष्मी संतुष्ट घर में रहेगी, घर में फिर लक्ष्मी शांति सुख देगी। सुदामा दो मिनट चिड़वा दिया तो ठाकुर जी ने क्या किया, त्रिभुवन का राज्य दे दिया, त्रिभुवन की। लेकिन हम क्या करते ना, प्याज लहसुन डाल ढूल करके हैं, घर का जो मालिक है वो तो बैठा, वैसे जिसने सब कुछ दिया वो चुपचाप बैठा हुआ घर में,
हर प्याज लहसुन डाल डूल कर बढ़िया बढ़िया हम चट कर रहे हैं, भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए प्याज लहसुन नहीं डालनी चाहिए। जो चीज ठाकुर को प्यारा नहीं, जो चीज ठाकुर नहीं खाते हैं, हमें वो चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए मनु संहिता कहता है, देखो श्लोक है, बोले स्वान बिष्टा समच अर्न, वो जो दाल सब्जी नहीं खा रहे हो, स्वान मतलब कुत्ते, बोले कुत्ते का बिष्टा तुम खा रहे हो, क्यों? भगवान को तुमने भोग नहीं लगाया। ये मनु संहिता कहता है, हैं? कहते हो कुत्ते का बिष्टा खा रहे हो, क्यों? तुमने भगवान को भोग नहीं लगाया। जिसने तुमको दिया है, हैं, वो तो घर में चुपचाप बैठा, कभी कभी घर में गोपाल ठाकुर जी फरमान गिर रख लेते हैं, हैं? वो चुपचाप बैठा हुआ और खुद बढ़िया बढ़िया चक माल घोटते हैं और उनको थोड़ी सी बातासा नहीं तो थोड़ी सी फल भोग लगा देते हैं। कहते नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, एक व्यक्ति को देखो कि भिखारी रोड में बैठा हुआ, दांत निकाल कर बाबू एक रुपया दे दो, एक रुपया, बोले क्यों? वो रोड का भिखारी क्यों बनाए? क्यों एक रुपया के लिए तरसते? हमारे गुरु जी कहते थे, बोले ये व्यक्ति पूर्व जन्म में करोड़पति था, लक्ष्मी इसको पास में आई, लेकिन लक्ष्मी नारायण की है। लक्ष्मी किसकी है? तुम्हारी लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नारायण की। लेकिन उसने नारायण की लक्ष्मी में नारायण की सेवा नहीं किया, वो लक्ष्मी को भोग किया है, गलत रास्ता पर लक्ष्मी को लगाया, इसलिए लक्ष्मी बिगड़ गई। बोले तेरे पास में आ गई मतलब जैसे तैसे काम में मेरे को तुम लगाओगे, अगली जीवन में रोड का भिखारी बनाकर रख दूंगी, वहीं पर बैठे रहना, दांत निकालते रहना। ये हमारे गुरु जी कहते थे, अगर कोई चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है, अगर इसी जीवन में पैसा आया तो अगले जीवन में रोड का भिखारी बनकर बैठना पड़ेगा, दांत निकाल करके एक रुपया के लिए तरसना पड़ेगा तुम, क्यों? लक्ष्मी को तुम बुरे काम में लगा रहे हो, लक्ष्मी ठाकुर जी के है, उसको भोग लगाए बगैर तुम स्वयं उसको भोग कर रहे हो। इसलिए देखो, इसने केवल दो मुट्ठी ठाकुर को थोड़ा फल देते दिया और फिर क्या दिया, लेकिन ठाकुर ने क्या दिया, झोली भर दिया ठाकुर जी, रत्नों से झोली भर दी। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, भैया ठाकुर को भोग लगाओ, जो कुछ खाओ क्या करो, बगैर प्याज लहसुन के बनाओ, क्योंकि जो चीज ठाकुर नहीं खाते वो चीज हमें पसंद नहीं होनी चाहिए। जो प्याज है ये गैया का मांस से सृष्टि हुआ है, और भागवत में आता है भगवान जब सुदर्शन चक्र से और राक्षस को गला काट दिया स्वर्भानु की, जहां पर उसका मांस गिर पड़ा वही से ये प्याज की सृष्टि हुई। इसलिए नवरात्रि में 9 दिन तक इसको कोई खाते नहीं, और ठाकुर का वही सेवा में ये नहीं लगती है। इसलिए जो कुछ खाना खाओ, सबसे पहले ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से ठाकुर को भोग लगाओ, फिर वो वस्तु को ग्रहण करो, फिर तो हम भी कहते ना, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, अन्न जैसे खाओगे मन तुम्हारी वैसे बनेगा। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हिताई गौर प्रेमानंदे। आज हमारे एक प्रोग्राम है, वो कीर्तन में गए थे, इसलिए हम लोग वो कीर्तन में जाएंगे, इसलिए आप लोग को जल्दी जल्दी छोड़ दिया, इसलिए आप लोग जाओ अपना घर की काम करो और हम लोग इस प्रोग्राम में जाते हैं। ठीक है, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
जय श्री गुरु रघुनंद प्रसाद राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मंडल जय लीला भक्ति सर्व सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय लीला कृष्ण नंद नारायण वामन त्रिग्रह गोस्वामी महाराज की जय भक्ति प्रज्ञान किशोर गोस्वामी महाराज की जय आनंद गौर भक्त वृंद की जय सम्मानित गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रभा।